என்ன ராஸ்கல்லா மைண்ட் இட் डायरेक्ट तो सुना ही होगा रजनीकांत की फिल्म काला का ट्रेलर आउट हो गया तो मैंने सोचा क्यों नहीं रजनीकांत के स्टाइल में ही एंट्री ले। काला का ट्रेलर देखकर ये तो साफ हो गया है कि फिल्म में वो सारे एलिमेंट हैं जो कि एक टिपिकल रजनीकांत फिल्म में होते हैं। क्या रे सेटिंग किया है। नमस्कार, मैं हूँ उपासना, आप देख रहे हैं द लल्लनटॉप। काला फिल्म में नाना पाटेकर, हुमा कुरेशी, ईश्वरी राव और अंजलि पाटिल जैसे एक्टर्स भी नजर आने वाले हैं। साउथ के सुपरस्टार और रजनी के दामाद धनुष काला के प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने बताया है कि उनकी ये फिल्म 7 जून को दुनिया भर में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम में रिलीज होगी। तो आइए जानते हैं कि फिल्म किस बारे में है। काला में रजनी का किरदार एक गैंगस्टर का होगा। वो बचपन में चेन्नई से भागकर मुंबई आ गया है और यहाँ के स्लम धारावी में आकर बस जाता है। बड़ा होकर वो अपने इलाके का गैंगस्टर बनता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि राजनीति के चक्कर में स्लम के लोगों की जमीन जाने की नौबत आ जाती है। इस मामले में रजनी सब लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन नेताओं से लड़ते हैं, स्लम की जमीन बचाने की कोशिश करते हैं। बचा पाते हैं कि नहीं, ये फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि फिल्म में रजनी का कैरेक्टर काफ़ी फनी भी रहने वाला है, क्योंकि गैंगस्टर होने के साथ साथ वो एक मस्त मौला आदमी भी है। अधेड़ उम्र के उनके इस कैरेक्टर की शादी हो चुकी है और बड़ा बुरा परिवार है। ट्रेलर देखकर लगता है कि वो अपनी उम्र से बहुत छोटी लड़की से प्यार में पड़ जाता है और हर जगह उसका पीछा करता है। इस लड़की का नाम है जरीना और ये रोल हुमा कुरेशी ने किया है। नाना पाटेकर फिल्म में रजनी के ऑपोजिट मेन विलन बने हैं। वही वो नेता हैं जो स्लम के लोगों को ललचा बहला कर उनकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। जो लोग प्यार से अपनी ज़मीन नहीं देते, हिंसा का प्रयोग करते हैं और ज़मीन छीनने की कोशिश भी करते हैं। उसकी इसी चुनौती को काला नाकाम करने की जुगत में लगा है। फिल्म में अंजलि पाटिल ने एक सामाजिक कार्यकर्ता का रोल किया है जो काला की इस सब में मदद करती है। पंकज त्रिपाठी के रोल के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। फिल्म के केंद्र में अपराध और राजनीति भी है। जनता के रोज़मर्रा के मुद्दे हैं। रजनी जनता के हित में काम करने वाले आदमी का रोल कर रहे हैं। इसे उनके असल राजनीति में उतरने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ऐसे में ये फिल्म उनकी काफ़ी मदद कर सकती है, क्योंकि साउथ इंडिया में रजनी को भगवान जैसे पूजा जाता है। फिल्म के ट्रेलर आने के फौरन बाद ट्विटर ने काला के लिए एक ख़ास इमोजी भी लॉन्च किया है। ये इमोजी फिल्म की रिलीज के 3 दिन बाद यानी 10 जून तक एक्टिव रहेगा। काला को डायरेक्ट किया है पार रंजीत ने। रजनीकांत की पिछली फिल्म कबाली भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी। कबाली कमाई के मामले में सफल रही थी, हालांकि इसका फाइनल कलेक्शन काफ़ी विवादों में रहा था। काला आ रही है तो रजनी और रंजीत की जोड़ी भी बॉक्स ऑफिस पर वापस आने वाली है। उनसे भी वैसे ही उम्मीदें हैं। काला का ट्रेलर एक और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं फिल्म के सामने एक मुश्किल भी आ गई है। वो ये है कि कर्नाटका में हो सकता है ये रिलीज ना हो पाए। इसकी वजह तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच अरसे से चल रहा कावेरी जल विवाद है। रजनीकांत ने इस मामले में तमिलनाडु के हक में बोला हुआ है। अब कर्नाटक के समूह बोल रहे हैं कि इसे रिलीज नहीं होने देंगे। कर्नाटका के एक ग्रुप कन्नड़ चालावल्ली वत्तल पक्ष के प्रेसिडेंट नागाराज ने कहा है कि रजनी का कावेरी मामले में बयान कन्नड़ लोगों के विरुद्ध है, जो हमें स्वीकार नहीं, इसलिए उनकी फिल्म काला कर्नाटका में रिलीज नहीं होने देंगे। ठीक इसी तरह कर्नाटका फिल्म चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट सारा गोविंदू ने भी बोला है कि रजनी कावेरी इशू पर हमेशा डिप्लोमेटिक तरीके से अपने विचार रखते आए हैं, लेकिन जब से उन्होंने राजनीति ज्वाइन की है तब से हम कन्नड़ लोगों पर सीधे वार कर रहे हैं, तो सवाल ही नहीं उठता कि हम उनकी फिल्म काला को कर्नाटका में रिलीज होने देंगे। उनकी फिल्म ना तो डिस्ट्रीब्यूट होगी और ना ही सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। इस मामले में रजनीकांत ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने बोला है कि मैं नहीं जानता कि फिल्म को बैन करने के पीछे क्या वजह है। कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स दरअसल पूरे साउथ इंडिया के फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स का हिस्सा है और मुझे लगता है कि वे लोग इसमें दखल देंगे और एक बेहतर हल के साथ सामने आएंगे। खैर, एक तरफ काला पर कर्नाटक में संकट छाया है और दूसरी ओर यूट्यूब पर इसके टीज़र ट्रेलर देखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। वैसे कर्नाटका में जो रजनीकांत के फैंस हैं वो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये इशू जल्दी से सॉल्व हो जाए और ये फिल्म काला उनके थिएटर्स में भी लग जाए।
बाकी जो उम्मीदें आप हमसे करते हैं वो हम पूरी करते हैं, देश दुनिया सिनेमा की सारी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप ये जानते हैं कि आपको ललन टॉप के पेज को फेसबुक पर जाकर लाइक करना होगा, और यूट्यूब पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।